नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जाना। ये शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। रोसड़ा को जिला बनाने के लिए बैठे धरना का आज 12वां दिन है। प्रशासन की उदासीनता को देख भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि धरना पर बैठे धरनार्थियों से वार्ता करें, अन्यथा होली के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा शहर में की जाएगा चक्का जाम। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री सुरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ मुन्ना सिंह ने बताया कि रोसड़ा को जिला बनाने को लेकर 12 दिनों से धरने पर बैठे लोगों से अब तक वार्ता करने कोई शासन प्रशासन नहीं आया। अगर वार्ता नहीं हुई है तो होली के बाद रोसड़ा में जिला बनाने के लिए चक्का जाम किया जाएगा। रोसड़ा जिला बनाने का अभियान आज जो है धरना 12वां दिन चल रहा है। अब तक प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की वार्ता करने के लिए नहीं आया है। देखिए, ये प्रशासन जो है बिहार राज्य सरकार का प्रशासन बिल्कुल ये जो है सो निरंकुश हो चुका है। मैं समझता हूँ आज 12 दिन से ये 24 घंटे का धरना लगातार चल रहा है और अभी तक कोई प्रशासनिक या कोई राजनेता धरना पर बैठे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं विश्व बारूद जी उनसे सम्मानजनक वार्ता करने के लिए नहीं आया है। मैं समझता हूँ ये संवेदनहीन प्रशासन हो गया है। वैसे तो मैं ये जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ये धरना चल रहा है। मैं किसी हर कोई न कोई दल से प्रभावित होता है। मैं समझता हूँ इसमें दल से ऊपर उठ के हम लोग सोच रहे हैं जो होली के जस्ट बाद अगर इनसे कोई सम्मानजनक वार्ता राजनेता या स्थानीय प्रशासन के लोग जिला प्रशासन के लोग नहीं करेंगे तो हम लोग होली के तुरंत बाद रोसड़ा में चक्का जाम आंदोलन इनके धरना के समर्थन में हम लोग करेंगे और पूरे रोसड़ा को अस्त व्यस्त। क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार सिंह उर्फ मुन्ना, जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समस्तीपुर। भो गए तो आप बोल दे जिला मंत्री का।